मौर्यन काल के संदर्भ में सनीदाता का क्या मतलब है? नंबर वन, ये हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते थे असेसमेंट चार्ज के। नंबर दो, ये चीफ कस्टोडियन होते थे स्टेट की ट्रेजरी और स्टोर हाउस के। नंबर थ्री, ये हाईएस्ट ऑफिसर इंचार्ज होते थे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में। एंड नंबर फोर, ये हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट की पोजीशन होती थी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, ये चीफ कस्टोडियन होते थे राज्य की ट्रेजरी और स्टोर हाउस के। तो चलिए इस वीडियो में मौर्यन एज के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। मौर्यन एम्पायर जो आयरन एज से जुड़ा था, वो जियोग्राफिकली बहुत ही बड़े एरिया में फैला था, साउथ एशिया के मगध रीजन में। इसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने ये एम्पायर खड़ा किया था 322 BC में, और ये एम्पायर चला था टिल 185 BC तक। इंडो गैंगेटिक प्लेन का सारा एरिया इसी एम्पायर के अंदर आता था, और इसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, जो आज की तारीख में पटना है। राजा अशोक के टाइम में ये एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, और इसको ब्रीफली कंट्रोल किया गया। इसमें मेजर अर्बन हब्स थे, आर्टिस्ट्रीज थी पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे एक्सेप्ट द डीप ऑफ द साउथ। राजा अशोक के रूल के 50 साल बाद ये एम्पायर धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो गया, जब पुष्यमित्र शुंगा ने बिहारद्रथा को मार दिया, और वहां से मगध एरिया में शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत हुई। मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट और सेंट्रलाइज था, और मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी हमें चाणक्य के काम अर्थशास्त्र से मिली, और कुछ इन्फॉर्मेशन मेगस्थिनी की बुक इंडिका में भी गिवन है। मौर्यन एम्पायर में रेवेन्यू कलेक्ट होता था अलग अलग सोर्सेस से, जैसे कि लैंड, इरिगेशन, शॉप्स, कस्टम, फॉरेस्ट, पेरिंग्स, माइन एंड पेस्टर्स। साथ ही लाइसेंस फीस भी ली जाती थी आर्टिशियन से, और फाइन भी चार्ज किया जाता था इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मौर्यन काल में समर्था पोजीशन होती थी, जो एक हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल होता था इंचार्ज ऑफ असेसमेंट का। साथ ही सनीदत्ता स्टेट की ट्रेजरी और स्टोर हाउस के चीफ कस्टोडियन होते थे। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।